ये देखिए कह रहा है कि इफ एक्स का पावर वाई वाई का पावर जेड इक्वल टू जेड का पावर एक्स देन एक्स जेड इक्वल टू वाई का पावर टू देन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा इसको हम लोग कुछ सपोज कर लेते हैं, मान लो के सपोज कर लेते हैं, यहाँ से एक्स का वैल्यू हो जाएगा के का पावर वन बाई वाई, वाई का वैल्यू हो जाएगा के का पावर वन बाई जेड और जेड का वैल्यू हो जाएगा के का पावर वन बाई एक्स। हमें एंड ये भी दिया हुआ है कि एक्स जेड इक्वल टू वाई का स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू यहाँ के का पावर वन बाई वाई, जेड का वैल्यू यहाँ पर के का पावर वन बाई एक्स इक्वल टू में यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा के का पावर वन बाई जेड का स्क्वायर। चलिए यहाँ पावर ऐड हो जाएगा तो के का पावर वन बाई एक्स प्लस का वन बाई वाई और इधर हो जाएगा के का पावर टू बाई जेड, बेस बेस इक्वल पावर को इक्वेट कर देंगे तो वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई इक्वल टू में टू बाई में जेड। चलिए एक काम करते हैं, इधर जैसे हम लेते हैं एक्स वाई, यहाँ आ जाएगा वाई प्लस एक्स लिखो चाहे एक्स प्लस वाई लिखो टू बाई जेड। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे ये टू इधर लेके चले जाते हैं और ये जेड को इधर इधर पलट दो, पहले एक्स वाई बाई में वाई प्लस एक्स को एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू में जेड बाई टू, टू आके इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो जेड इक्वल टू में हो जाएगा टू एक्स वाई बाई में एक्स प्लस वाई। चलिए यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर, समझ गए 39 नंबर।